बुध यानी कि मर्करी एक ऐसा ग्रह है जो आपकी लाइफ में आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में देने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो ये गारंटीड हो जाता है कि आपकी लाइफ में आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। अगर आप जॉब करते हैं साथ साथ में आप साइड हसल्स करेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं हो सकता है आपके मल्टीपल डोमेन्स में बिजनेसेस हों, तो इन सब के लिए हम बुध की स्थिति चेक करते हैं आपकी कुंडली के अंदर। इस वीडियो में हम 8 पावरफुल बुध के योग जानेंगे कि कौन से योग बन सकते हैं जिससे आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिल सकती है लाइफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट योग से। तो पहली प्लेसमेंट मर्कुरी की जो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देगी लाइफ में, वो है अगर बुध आपकी कुंडली के अंदर अर्था हाउसेस के साथ कनेक्टेड हो जाए। देखिए आपकी कुंडली में हम अगर यहां से स्टार्ट करें फर्स्ट हाउस से, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे देखते हैं। अर्था हाउसेस कौन से हो गए? सेकेंड हाउस आ गया, सिक्स्थ हाउस आ गया और टेंथ हाउस आ गया। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस या टेंथ हाउस के साथ बुध कनेक्टेड हो गया, कैसे कनेक्टेड हो गया? या तो बुध सेकेंड, सिक्स्थ या टेंथ में ही बैठ गया, या इनके लॉर्ड्स के साथ म्यूचुअल कंजंक्शन में आ गया, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन में आ गया। बहुत पावरफुल योग बनता है आपका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कमाने का लाइफ के अंदर। अपने दूसरे योग की तरफ चलते हैं। देखिए जो थर्ड हाउस होता है आपके कुंडली में, वो आपको क्रिएटिविटी देता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है और एक तरह से आपको करेज देता है नए इनिशिएटिव लेने के लिए। तो अगर थर्ड हाउस की में आपकी कुंडली के साथ किसी तरह लग्न का लॉर्ड, जो अपने लग्न हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो, प्लस मर्क्यूरी, ये दोनों अगर कनेक्टेड हो जाए थर्ड हाउस के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 नंबर की राशि आ गई फर्स्ट में, तो वीनस आ गया आपका लग्न का लॉर्ड। तो वीनस और मर्क्यूरी अगर सपोज करिए दोनों ही थर्ड हाउस में आ गए, या फिर जैसे 4 नंबर पड़ा तो चंद्र यहाँ पे लॉर्ड आ गया, तो चंद्र के साथ वीनस और मर्क्यूरी यहाँ बैठ गए या फिर किसी भी हाउस में बैठ गए, तो ये भी एक बहुत पावरफुल योग बनता है आपका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कमाने का लाइफ में। या फिर इस योग में थोड़ा सा डिफरेंस और क्या आ सकता है कि सपोज करिए लग्न लॉर्ड, जैसे अभी हमने देखा 2 नंबर का लग्न लॉर्ड वीनस आ गया था, अगर लग्न लॉर्ड और सूर्य भी किसी तरह थर्ड हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाए, यानी कि थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ वीनस और सूर्य भी बैठ गए, तब भी सेम प्लेसमेंट मानी जाती है। इस केस में आपको नेम एंड फेम भी मिलता है क्योंकि सूर्य आपके नेम एंड फेम का कारक है। तो अगर सूर्य प्लस फर्स्ट लॉर्ड यानी कि लग्न का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के साथ किसी भी तरह कनेक्टेड है, थर्ड हाउस में बैठ गया या थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ के कंजंक्शन में, तो बहुत पावरफुल योग बनता है आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का लाइफ में। तीसरा योग जो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देगा लाइफ में, वो है अगर आपका लग्न का लॉर्ड, यानी कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे 4 नंबर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो कि इस केस में मून आ गया, प्लस टेंथ हाउस का लॉर्ड जो इस केस में आ गया मार्स। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और टेंथ हाउस का लॉर्ड आपस में राशि एक्सचेंज में आ गए, यानी कि मार्स यहाँ पे बैठ गया और मून यहाँ पे बैठ गया, या फिर ये दोनों एक साथ कहीं पे भी बैठ गए, मार्स और मून एक साथ आपकी कुंडली में कहीं पे बैठ गए, तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ जब भी टेंथ हाउस के लॉर्ड का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा, या फिर ये दोनों एक साथ बैठे होंगे, बहुत पावरफुल योग बनता है आपके लिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाता है ये योग लाइफ के अंदर। अगले योग के लिए आपको 2 चार्ट चेक करने हैं अपने। देखिए जो आपका D1 चार्ट है उसमें जो भी 10th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो लॉर्ड D10 चार्ट में जाके एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा है, फॉर एग्जांपल सपोज करिए D1 चार्ट है, यहाँ पे राशि पड़ रही है 9, तो यहाँ पे जुपिटर यहाँ का लॉर्ड हो गया। अब D10 चार्ट में अगर यही जुपिटर जो T1 में आपका 10th हाउस का लॉर्ड था वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठ गया, सपोज करिए 4 नंबर में बैठ गया जुपिटर, एग्जॉल्टेड हो गया, तो D1 में जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो D10 में जाके एग्जॉल्टेड हो गया किसी भी घर में, ये बहुत पावरफुल योग बनाता है बिजनेसेस के लिए। आपको एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा वर्क प्लेस के अंदर, प्लस आपको दूसरे लोगों से काम करवाना आता होगा, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए ये बहुत पावरफुल योग माना जाता है। अगला योग जो आपको बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स देता है,
कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ बिजनेस या फिर मल्टीपल बिजनेसेस एक साथ हैंडल कर सकते हैं, वो ये है अगर आपके 10th हाउस के अंदर कुंडली में या तो सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, या दोनों बैठे हैं सूर्य मंगल, और इनके साथ मरकरी बैठ जाए या फिर इनके ऑपोजिट मरकरी बैठ जाए, तो ये एक बहुत पावरफुल योग बनता है जिसमें आप ईजिली मैनेज कर पाते हैं बाकी व्यक्तियों को और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अपने लिए बनाने में सक्षम होते हैं लाइफ में। आत्मकारका आपकी कुंडली में वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। आप 9 के 9 ग्रह लेंगे, इसमें से राहु और केतु को हटा दीजिए, 7 ग्रह बचे, उनमें से जिसकी भी डिग्री सबसे ज्यादा होगी आपकी कुंडली में वो आपका आत्मकारका बन गया। अगर आपकी कुंडली में आत्मकारका 10th हाउस में जाके बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके आत्मकारका है मंगल और मंगल 10th हाउस में जाके बैठ गया, ये भी एक बहुत पावरफुल योग होता है आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देने का। ये दर्शाता है कि आपके जो आत्मा का मेन पर्पस है इस लाइफ में वो 10th हाउस में बैठ के बिजनेसेस मेंटेन करना है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मेंटेन करना है। तो अल्टीमेटली ये योग आपको वो मेंटेन करवाता है और आपके अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम बनवाता है लाइफ के अंदर। अगला योग जो आपको बहुत अच्छी पैसिव इनकम देगा प्लस मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाएगा आपकी लाइफ में, वो ये है अगर 10th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो बट एग्जॉल्टेड पोजिशन में बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे 7 नंबर राशि पड़ रही है और यहाँ पे शनि बैठ गया, यानी कि शनि यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो गया और इस शनि को जुपिटर की एक्सपेक्टेशन मिल रही हो, जुपिटर या तो देख रहा हो या गुरु इसके साथ ही बैठ जाए, तो ये एक बहुत पावरफुल योग बनता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का, क्योंकि गुरु इस 10th हाउस की सिग्निफिकेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। तो इस केस में भी आपके बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनते हैं। 8वीं प्लेसमेंट जो पैसिव इनकम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। पैसिव इनकम क्या होती है, जब आप अपनी जॉब में या बिजनेस में हैं और साइड बाय साइड आपको बाकी सोर्सेज से भी इनकम आ रही है, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही है, वो ये है अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 और 7 लिखा है, तो मरकरी यहाँ लॉर्ड हो गया और वीनस यहाँ पर लॉर्ड हो गया, तो अगर 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठ जाए, यानी कि मरकरी और वीनस एक साथ कंजंक्शन में बैठ गया आपकी कुंडली के अंदर, कहीं भी अगर केंद्रास में बैठेंगे सबसे बढ़िया, कहीं भी बैठ जाए तब भी ये बहुत अच्छा योग बनता है पैसिव इनकम के लिए। तो इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया कि 8 कैसे योग बन सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि क्या मेरी लाइफ में मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेंगे कि नहीं। दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट astroindia.com के ऊपर डिटेल में आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें आप अलग अलग योगों के बारे में खुद ही जान सकते हैं, क्या आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, क्या आपको सडनली वेल्थ मिल सकती है लाइफ में। ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए फ्री में आप मेरी वेबसाइट astroindia.com पे जाइए और अभी अपने आप को न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।